हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग ठीक ही होंगे, खुश ही होंगे। तो आज हम ट्रांसफार्मर का बात करते हैं। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में क्यों होती है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहले ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज, यहाँ पे जैसे कि 11 kV सप्लाई हम प्राइमरी वाइंडिंग में अप्लाई किए तो सेकेंडरी में 415 मिल रहा है। इसका मतलब ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी का टर्न रेशियो है, ये सेकेंडरी का टर्न रेशियो है। ये बीच में मैग्नेटिक कोर है जो कि पहले इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है और उसके बाद मैग्नेटिक से फिर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है। तो ट्रांसफार्मर का मेनली रूप से काम है कि पावर को एक हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चेंज करना या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में चेंज करना। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्राइमरी साइड में टर्न का रेशियो ज्यादा है, तो इसको हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे और इस सेकेंडरी साइड में टर्न का रेशियो कम है। जैसे कि यहाँ पे अभी हमने सेम ही दिखा रखा है लेकिन इसमें और ज्यादा है, टर्न का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है प्राइमरी में सेकेंडरी की अपेक्षा। तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या ज्यादा है तो इसको हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे और नंबर टर्न की संख्या कम है तो लो वोल्टेज वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मेनली यही काम है। और फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वही आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका रेटिंग केवीए में क्यों होती है, केवीए या फिर वीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। तो इसका दोस्तों मेन रीजन ये है कि इसका जो लॉसेस है ओनली मेरा वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। इसमें दो प्रकार का लॉसेस होता है, एक मेनली रूप से कोर लॉसेस और दूसरा कॉपर लॉसेस। ये कॉपर लॉस हो गया I²R और ये आयरन कोर लॉस हो गया ED करंट लॉस। अब ये जो दोनों लॉसेस है इसको कोर लॉसेस को बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है मेरा वोल्टेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक बार जो जिस वोल्टेज रेटिंग के लिए ट्रांसफार्मर बना दिया है उसमें टर्न का रेशियो प्लेस कर दिया गया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो वोल्टेज का लेवल बना रहता है सेम वोल्टेज रेटिंग के लिए, इसलिए उसमें ईडी करंट लॉस जो है कोर लॉसेस फिक्स रहता है। और हम कॉपर लॉस का बात करें तो ये वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लोड जैसे जैसे बढ़ेगा मेरा करंट बढ़ेगा, जब करंट बढ़ेगा तो ओवरऑल जो मेरा लॉसेस है वो बढ़ेगा, करंट पे डिपेंड करता है, तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि टोटल जो है ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग वीए में होती है या फिर केवीए में होता है। यहाँ पे हम जैसे कि हम मोटर का बात करें तो मोटर में KVA cos φ जिसके कारण इसमें पावर फैक्टर आ जाता है, तो यहाँ पे हम इसको किलोवाट में लिखते हैं। जबकि ट्रांसफार्मर में मेरा पावर फैक्टर जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि जब ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरर को पता नहीं होता है कि मेरा कोई भी कंपनी में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा तो उसमें लोड किस तरह का कनेक्टेड किया जाएगा। लोड जैसे कि एक लोड रसिस्टिव होता है जिसमें कि पावर फैक्टर यूनिटी होता है, और दूसरा इंडक्टिव जैसे कि जिसमें क्वाइल का यूज होता है, जैसे कि मोटर वाइंडिंग में क्वाइल यूज होता है तो वो इंडक्टिव सर्किट के फॉर्म में बोलते हैं या फिर इंडक्टिव लोड बोलते हैं। मेरा पावर फैक्टर को जो इंक्रीज करता है पावर बैंक,
ये हो गया लीडिंग पावर फैक्टर, पावर बैंक को बोलते हैं लीडिंग लोड। तो ये जो मेरा रेसिस्टिव लोड हुआ पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए, ये इंडक्टिव, ये कैपेसिटिव, तो तीन प्रकार का लोड रहता है इसमें कि मैन्युफैक्चरर को पता नहीं होता है कि किस प्रकार का लोड कनेक्ट किया जाएगा, इसलिए उसमें पावर फैक्टर इंक्लूड नहीं किया जाता, जिससे कि उसका रेटिंग जो है केवीए में होती है। और ट्रांसफार्मर चूंकि बड़े लेवल पे होता है इसलिए उसको वीए में लिखने से उसका डाटा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको केवीए में या फिर एमवीए में लिखते हैं। थैंक यू दोस्तों।